हेलो एवरीवन, डिस्कस करिवा आमे डाटा इंटरप्रिटेशन पार्टा। आपनकर आज परीक्षा होता, यहाँ हूँ आज एग्जाम OSS स्टेनोग्राफर। यार एरिथमेटिक पार्ट आम ऑलरेडी डिस्कस कर देते, डीआईटा डिस्कस कर दबा, तापर रीजनिंग डिस्कस कर दबा। करंट अफेयर्स होगा, कंप्यूटर होगा, एगुड़ा आपको गूगल सर्च रू मिल जाएगा, किसी डिस्कस करा दरकार किसी अप्रोच नहीं आदर शिखार बुझे। सो मेन हूँ आपंकर मैथ डीआई और रीजनिंग जोटा आम डिस्कस करवा, जो आप्रोच शिखे कॉन्सेप्ट्स जानिबे ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम में हेल्प हो। कंप्यूटर होगा, जीएस होगा, एगुड़ा करे सिंपल गूगल रे क्वेश्चन टाइप करदे आपको मिल जाए, किसी फैकल्टी रोल ना बुझे। जोटा डिस्कस कराया कथा सेटा मुझे करूँ। आपणकर शिक्षा जिनस अच्छी डाटा इंटरप्रिटेशन आउ रीजनिंग आउ मैथ, एति के आम डिस्कस करूचे। बाकी आप जो पिला कहते कि सर जीएस हम कंप्यूटर डिस्कस करेंगे, सोटा आप निजे करें कि गूगल टाइप करने क्वेश्चन सल्यूशन पापर। हाँ देखो, डीआई स्टार्ट करिया। डीआई रे लास्ट क्वेश्चन टा मुझे देखुली, लास्टा अच्छी आप गोटे डीआई लास्ट क्वेश्चन टा हूँ दिस क्वेश्चन, यहाँ गोटे केसलेट अच्छी बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। यहाँ आम लास्ट्रे लास्ट क्वेश्चन टा ये आप कॉन्सेप्ट शिखे कमी अप्रोच निया हुए है, बट सिक्वेंशियली मूव करिया क्वेश्चन नंबर वन रु है ना। चेक करूँ सब जिनस ताकि आपको ओएसएससी सीजीएल जो आस ओएसएससी जो भी एग्जाम आसो ताकि आपको हेल्प कर। क्वेश्चन से ही पेज अच्छे ना, गोटे काम करिया वन सेकेंड पहले एटा नेक्स्ट पेज को नहीं जा, बस गोटे सेकेंड मत दिखा, गोटे सेकेंड बस पे। ये तीन टा क्वेश्चन आपंकर अच्छी मुझे नेक्स्ट पेज को नहीं जी, क्या नेक्स्ट पेज आप चार्ट ता अच्छे, बस गोटे सेकेंड रे ये कर। बस यहाँ हूँ आपंकर चार्टा, क्वेश्चनटा को मुझे इनपुट तापर स्टार्ट कर। यहाँ हूँ पे आपंकर प्रथम डीआई सेटा है, मो सहित ही अटेम्प्ट नियंतु। बस स्टार्ट करिया पे देखता आपणकर डीआई स्टार्ट होता क्वेश्चन, माने जो सेटा मत जो स्टूडेंट पठे जो स्टूडेंट यहाँ पठे आप 96 to 98 हूँ प्रथम डीआई सेट है। आज जो एग्जाम ये आज परीक्षा पे ODSSR स्टेनोग्राफर ठीक अच्छे। देखो क्वेश्चन नंबर 96 to 98, द फॉलोइंग टेबल शोज परसेंटेज प्रॉफिट है, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय टू कंपनीज ए एंड बी ड्यूरिंग इयर्स 2011 to 2015। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डाटा कंटेंट इन द टेबल है, बहुत ही सिंपल डाटा है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इनफॉरमेशन दिखाई यादव किसी बेसी डाटा इंटरप्रिटेशन इनवॉल्व नहीं, सिंपल कैलकुलेशन रो गेम है। देखो प्रथम क्वेश्चन कौन कहला, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंपनीज वाज 9 lakhs इन ईयर 2012, 2012 कथा कहूँ ना, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी वर इन रेशियो 2:1 रे होची, आउ एटा हेची के टोटल एक्सपेंडिचर 9, माने 3 यूनिट रो वैल्यू होची 9, सो 1 यूनिट करेस्पोंड्स टू 3। तापर पचार छी कोनो इनकम ऑफ ए, ए रो इनकम पचार छी हला 2:1 ठीक अच्छे, क्या क्या भितर कही A:B, 3 यूनिट वैल्यू हूँ 9, सो 1 यूनिट करेस्पंड्स टू 3, सो ए कथा कहूँ ए रोच 6 हूँ ए रण एक्सपेंडिचर 6 मैं 6 lakh, बट पचार इनकम ए रिले प्रॉफिट देखो 2012 कथा आम कहते 2012 प्रॉफिट के 35% कहीं ना परसेंटेज प्रॉफिट डाटा दिखाई 35% प्रॉफिट है। सो वन सेकेंड पे पेनटा खसीगला, हाँ विष्णु देखो पे, हाँ 6 हूँ आपंकर एक्सपेंडिचर, सो इनकम के बाहर 6 × प्रॉफिट जेहेतु 35 है, सो प्रॉफिट परसेंट आपंकर मल्टीप्लाइंग फैक्टर के 1.35 बुझंट, कहीं 1.35 मल्टीप्लाई कली 135/100 व्हिच इज 1.35, सो 135 × 6 हूँ 810, सो 8.1 है, 8.1 lakhs ऑप्शन बी इज करेक्ट।
किसी ना सिंपल टू इज टू वाने डिवाइड करेंगे तीन यूनिट रैल्यू 900,000 दिया है वन यूनिट करेस्पन्स टू थ्री दुई यूनिट रैल्यू छः प्रॉफिट होती 35% 6 × 1.35 8.1 ओराल क्वेश्चन नेक्स्ट ये सब क्वेश्चन तो टिके प्राक्ट थी आपको मैंने पेन पिक करा दरकार ना आम जेहेतु पिला बुझाऊ सो मत तो लिखा पड़ो कि परीक्षा जब आप एडिक्वेट प्राक्ट अच्छी गोटे पिला आइडियाली सब क्वेश्चन रे लिखार नहीं कि डाटा देखिए कैलकुलेशन माइंड रे हे जदि माइंड होनी ताने कौन ताने आप प्राक्ट कम अच्छे एनफ नंबर अफ क्वेश्चन प्राक्ट कर परीक्षा आगे हाँ व्हाट इज द आवरेज प्रॉफिट आवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी बी कंपनी बी रा आवरेज परसेंटेज प्रॉफिट पचारा आवरेज पचारा आवरेज पे आपन डेविएशन मेथड यूज करेंगे और जेहेतु डाटा पूरा बेसिक डाटा दिया है आप एड करना बाय फाइव भी करेंगे ठीक अच्छे डेविएशन भी यूज करेंगे जो मेथड चाहिए करेंगे धरतु 35, 35, 70 130, 140, 190 पांचटा डाटा दे सो बाय फाइव व्हिच इज 38 ऑप्शन सी क्लियर बिले नेक्स्ट ए क्वेश्चन ने किसी बुझार नहीं ना बिले याद रे किसी बेसी बुझार नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टाइड हाँ इन व्हिच ईयर परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी बी इज लेस देन दैट ऑफ कंपनी ए कंपनी बी रो लेस देन कंपनी ए कंपनी ए टू लेस देखो एटा तो अधिका अच्छी 20-30 अधिका अच्छी कंपनी बी रहा भी अधिका अच्छे यहाँ गोटे कम अच्छी यहाँ अधिका अच्छे तमाने यही वर्षटा दिस इज कौट कम अच्छी बिले आपर 45-35 मैं 2013 कथा कहूँ रेट 2013 है सो ये प्रथम सेटा आप समस्त को आटेम्प्ट नबार थिला रेट टिके पिले मु गोटे मिनिट खाली टाइम नेबी आपर परीक्षा को भी क्वेश्चन को आप इगो को नेबेनि इगो को माने जो पिला धरतु डीआई पलि आसला आप पाई चार्ट बहुत स्ट्रांग पाई चार्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट पलि आसी परीक्षा आपड़ ताको अटेम्प्ट ने परीक्षा सब बेले अटेम्प्ट आप फोकस होगा दरकार अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करिया है इजी क्वेश्चन सर्च करेंगे करना पड़े है आमर फोकस होची परीक्षा अटेम्प्ट मैक्सिमाइज हे ताकि आप कट ऑफ क्लियर हो परीक्षा फोकस हबार ना कि क्वेश्चन हाँ फर्स्ट सरला आप 99 to 101 है सब फोकस करेंगे अटेम्प्ट मैक्सीमाइज करते हम जो आप राइट सेट स्पिक करेंगे डिफिकल्ट सेट स्पिक करें कौन समय नष्ट समय नष्ट है सो से कम कर 99 ओके दुटा सेट अच्छे गोटे सेकेंड पे बस नेक्स्ट पेज को नहीं जाए कट ऑफ टी क्लियर करेंगे परीक्षा क्लियर है थोड़ा ना आपको मैथमेटिशियन होवार अच्छे आपण एम हो परीक्षाटे क्लियर हो मोर ग्रुप सी की ग्रुप भी जॉब जब ओडिशा गवर्नमेंट रे आपड़ खुश है आप थोड़ा ना मैथमेटिशियन होवार अच्छे बिले हाँ से परीक्षा फोकस करेंगे कमी अटेम्प्ट मैक्सीमाइज हे ओके कौटा थी हाँ बस है 99 to 101 हाँ क्वेश्चन आम पाखे रेडी 99 100 101 ओके यार भी काम नहीं ओके ये काम अच्छे हाँ ओके देखो बिले क्वेश्चन 99 to 101 मो सहित ही अटेम्प्ट नियंतु बिले कौन कह देखो डाटा पढ़ आंसर दि फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दि डाटा कंटेंट इन द टेबल कौन है सेल्स रेवेन्यू दिया है आपको इन लैक्स आइटम्स गुड़ा ये लिखाई इयर्स गुड़ा ये लिखाई यही रो रे आइटम्स गुड़ा ये कलम लिखाई 99 आपको कहला इन 2015 अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू कथा कहला केम फ्रॉम बुक्स है 2015 कथा कहला 15 मार्क करूँ है टोटल रेवेन्यू 2015 के 173 बुक्स के 78 है सो के आसला कही अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू सो 78 by 173 एटी आउ एक कम करेनि या 100 मल्टीप्लाई करना कैलकुलेशन करेनि बिले एक कम करेनि 100 मल्टीप्लाई करना 7800 by 173 से कम करेनि एटी टी कांसेप्ट आपण यूज करिवे कोन दिस इज देखंतु बिले एटी डिनोमिनेटर मार्क करंतु 10% 10% होची 17.3 गोटे डेसिमल प्लेस लेफ्ट को आसीबो 10% माने कोन 1/10 गोटे प्लेस लेफ्ट को शिफ्ट हो डेसिमल पॉइंट
अबिका देखु 78 अच्छे पिले 78 सतर 17.3 जेहेतु ऑप्शन गुड़ा किसी डेसिमाल अच्छे कि बिले ऑप्शन किसी डेसिमाल ना ऑप्शंस फार एनफ अच्छी ऑप्शंस गुड़ा वाइड अच्छी ना मैंने मैंने गैप अच्छे ऑप्शंस भितर बहुत तो पास मतलब क्लोज ऑप्शंस अच्छे कि बहुत क्लोज ऑप्शंस अच्छी ना ना क्लोज ऑप्शंस मैंने मुझे कह चाहूँगी 50% हे 70 इंटू 5 होगी 85 तमें 40-50% भितर हे आंसर क्या आंसर आपको कही 78 40-50% भितर तो आंसर हे तमाने आंसर हवा कथा कौन ऑप्शन ए ही गोटे पॉसिबल 45% आउ किसी ऑप्शन पॉसिबल ही नुह क्या आम बाहर करदे कि 40-50% भितर आंसर रोक बुझे ये सब जिन माइंड रहा बोले मुझे बहुत इलाबोरेटली बुझाऊँ ये सब हूँ हार्डली 3 सेकेंड 3-4 सेकेंड्स मैक्सिमम आपको बहुत एलाबोरेटली बुझा हो जिन टाइम लगुच परीक्षा कले सब बहुत क्विकली हे बेसिक अप्रोक्सीमेशन गुड़ा गुड़ा नेक्स्ट 100 नंबर ओके देखते पहले 100 नंबर है क्लीयरली दिशु आउ तो अधिक जूम हेनी है ना देख देख 100 नंबर कौन कहला मार्क करूँ टेबुल आप 100 नंबर आपको कहूँ नंबर ऑफ इयर्स इन व्हिच देयर इज एन इनक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम एटलिस्ट टू कैटेगरीज ऑफ आइटम्स एटलिस्ट जो भी एटलिस्ट और एटमोस्ट यूज होती सब एक्जाक्टली कन्वर्ट करेंगे एटलिस्ट और एटमोस्ट आपको देखा मिले कौटे प्रोबेबिलिटी चैप्टर देखा मिले आपको सेट थ्योरी देखा मिले मैंने फेन डायग्राम्स देखा मिले परमुटेशन कमिशन देखा मिले सब मोड गोटे इनपुट नियंतु है एटलिस्ट कि एटमोस्ट यूज होती मैंने सब एक्जाक्टली कन्वर्ट करेंगे मैंने मुझे यह कहकर चाहूँगी एटलिस्ट टू लिखाई आप कन्वर्ट करेंगे एटलिस्ट टू को एक्जाक्टली टू प्लस एक्जाक्टली थ्री एक्जाक्टली टू और एक्जाक्टली थ्री बुझे गोटे इनपुट मुझे दिली जदि क्वेश्चन टी टफ आसला तेल एटलिस्ट एटमोस्ट्रे आपको असुविधा होता है बट ताको सब एक्जाक्टली कन्वर्ट करेंगे ओके नंबर ऑफ इयर्स इन व्हिच एट तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छी यहाँ किसी बेस माइंड लगे ना इनक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम एटलिस्ट टू कंपनीज एटलिस्ट टू कैटेगरीज इन आइटम्स इनक्रीज इन रेवेन्यू है देखो 2012 कौन है कौटी एटलिस्ट दुटा बढ़ी कि 46-47 होती 30 जगह बढ़ी जाए सोता कंडीशन साटिसफाई 2012 हो जाए 12-13 मार्क करूँ एटा तो कमी एटा बढ़ी एटा बढ़ी सो एटलिस्ट टू मैंने एक्जाक्टली टू तो बढ़ी सो यहाँ भी कंडीशन साटिसफाई हो 14 देखूँ कौन है मैंने 15 कौन है बढ़ी एटा तो कमी था यहाँ भी बढ़ी है मैंने 3 वर्ष कथा होगा 3 इयर्स ऑप्शन डी इज करेक्ट बुझे 13 भी बढ़ी 12 14 भी बढ़ी 15 भी बढ़ी बुझे ओके नेक्स्ट नंबर ऑफ इयर्स हाँ ठीक अच्छे ऑप्शन 3 हम करेक्ट बुझे पहले 3 वर्ष राइट नेक्स्ट सरला 101 देख डीआई टा सरला पर बोले रीजनिंग करदे है डीआई सर रीजनिंग टाइम बुझेदेवी मैथ तो अलरेडी करदे आम इफ द इयर 2016 शोज सेम ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ टोटल सेल्स रेवेन्यू एज पर एज द इयर 2015 over 2014 देन रेवेन्यू इन इयर 2016 मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली है ओके परसेंटेज चेंज और एब्सोल्यूट चेंज आपको ये क्लीयरली क्वेश्चन में मेनशन करनी मैंने क्वेश्चन सेन्स रु लेट्स एब्सोल्यूट चेंज कथा कह मैंने मुझे चाहूँगी जो चेंज हो 2015 over 2014 है ये मेनशन करनी मैंने परसेंटेज और एब्सोल्यूट डिफरेन्स एब्सोल्यूट डिफरेन्स कहले 169 वन सेकेंड जब एब्सोल्यूट डिफरेन्स कथा कह 169-173 4 चेंज होती 173-177 हवा कथा
177 हवा कथा धरतु परसेंटेज कथा कही था आप कहे चार रो चेंज है सर ऑन द बेस ऑफ 169 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 हेले 2% अधिका 2% अधिका ताहले भी 177 पाखापाखी आंसर हो सो आपंकर आंसर ऑप्शन डी ही हम बुझले। नेक्स्ट 101 जाए करदे है ना ओके ये सरला दुटा डीआई सेट सरला 102 अच्छा 102 मार्क कर सहे दुई को मार्क करूँ पे खाली ऊपर नीचे खाली हम नहीं क्रॉप ठीक अच्छे हाँ देख 102 को मार्क करूँ पे आर पर साइड टा ओडिया टा ताको देखो तुम ये पर इंग्लिश में मार्क रीड दी फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर दी क्वेश्चंस ट्रेड डेफिसिट दिया है जी ऑफ कंट्री इन क्रोर्स है ना किसी डाटा एक्सप्लेन कर यार नहीं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन दिया है जी सिंपल क्वेश्चंस को मूव करिए है ना 102 कौन कहला मार्क करंतु द डेफिसिट इन 1993-94 वाज रफली हाउ मेनी टाइम्स डेफिसिट ऑफ 1991 मार्क करंतु डाटा पिले 2800 93-94 रे केते अछि 4200 माने 28:42 14 2 = 28 14 3 = 42 सो 2:3 हला हाउ मेनी टाइम्स कहि छि माने रेशियो काम होइ जियो एक्चुअल नंबर दरकार कि रेशियो काम होइ जियो टाइम्स पचार छि ना सो 2 रु 3 बिले 2 रु 3 2 रे केते मल्टीप्लाई करले 3 हो 1.5 सो आंसर हबो 1.5 टाइम्स 2800 × 1.5 हबो 4200 बुझले बिले ओके ये वाला आपन को हला क्लियर। नेक्स्ट तापर आपन को एटा सरला परे छाड़ो इंटर ठीक है नेक्स्ट पेज रे रही जाय छी ने नेक्स्ट पेज रे दीटा ऑप्शन अछि अब देखिया हो पे किसी ना चेक करिया गोटे सेकंड पे मैं ऑप्शन टा नहीं जाए एयरपोर्ट को बस गोटे सेकंड दिखुद पे जेहतु पिला जो पीडीएफ उठे ना पठेगी मुझे टिके गुटा ये कराया पड़ो है गोटे पेज रे किसी क्वेश्चन रोचे आर पेज रे आउ किसी क्वेश्चन रोचे है ना सेटा टिके आमको एडजस्ट कराया पड़ो पे मत बस गोटे सेकंड टाइम दिखुद बस बस पहले गोटे सेकंड बस हाँ बस होगा हाँ देख पहले 103 रो दीटा ऑप्शन हो गोटे ऑप्शन हो 200 मार्क करूँ 103 नंबर क्वेश्चन रे गोटे ऑप्शन अच्छे आप 200 गोटे हूँ 150 आउ दुटा ऑप्शन आप 80 अच्छे 100 आउ 2100 ठीक अच्छे कौन कही परसेंटेज इनक्रीज इन डेफिसिट इन 1993-94 एज कंपेयर टू डेफिसिट इन 1989-90 93-94 4200 परसेंटेज कथ कही एक्चुअल नंबर दरकार नहीं रेसीओ काम होबर ना अवॉइड करेंगे रेसीओ ने सिंपलेस्ट फॉर्म में काम हो ओवर कहा 89-90 के 2100 क्लीयरली आपको विजिबल होची रेशियो होची 1:2 अरे 2100 1:2 के चेंज होती है 1 रो इंक्रीज ऑन द बेस ऑफ 100% ऑप्शन सी इज करेक्ट राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट ये है राइट ये काम सर 103 जाए कले आम 104 को मूव करिया 104 को पहले मूव करिया करंतु 104 नियंतु अटेम्प्ट 104 को अटेम्प्ट नियंतु
104 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट नियंतु बस क्लियरली सब विजिबल हो तो हले देखंतु इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ डेफिसिट वाज हाईएस्ट ओवर इट्स प्रीसीडिंग ईयर हाईएस्ट ओवर इट्स प्रीसीडिंग ईयर अगेन एटा भी कंप्लीट परसेंटेज रो एप्लीकेशन ठीक अछि देखंतु बिले केमती करिया हमें इंक्रीज फर्स्ट कोठी हिच ए दीटार इंक्रीज हिच ए टू 80 इंक्रीज हिच ए टू 80 इंक्रीज हिच ए टू 80 हिच ए टू 80 हिच हला धरंतु म एउट स्टार्ट करबी कंपेयर कर दवा 90 टू 93 93 94 को रेशियो अछि देखंतु बिले 36 42 6 रे काटिले 6 रे काटले कोन होची 6:7 6:7 सो केतरा इंक्रीज हिच दैट इज 1 रो ऑन द बेस ऑफ 6 1 इंक्रीज ऑन द बेस ऑफ 6 1 बाय 6 टा होची 16.66% इंक्रीज माने ए टू 80 के आपन कर हिची 16.66% बुझले ए टू 80 के इंक्रीज हिच केमे दिकली 6 रो 7 6 रो 7 1 रो इंक्रीज ऑन द बेस ऑफ 6 व्हिच इज 16.66% क्लास रे पढिचे नेक्स्ट 2600 रो 3600 रेशियो नियंतु बोले सिंपल रेशियो नियंतु 26:36 ओ माइंड रे हो 13:18 हला केतर चेंज हिची बोले 5 ऑन द बेस ऑफ 13 5 इंक्रीज ऑन द बेस ऑफ 13 सो केते परसेंटेज बढी छी 26 रु 36 केते बढी छी 5 बढी छी ऑन द बेस ऑफ 13 आमे जानि चंती 1 बाय 13 टा होची केते 7.69% व्हिच इज 7.7% ता माने आपण कहि परिबे दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7.7 × 5 = 35.7 × 5 = 3.5 तो आपण कहि परिबे 38% मानना चाहौ दिस इज 38% टू अधिका टिके हला एउ 38% हाईएस्ट पचार जे कोडा 21 आउ 28 7 रे कैंसिल करले 3:4 3 रु 4 अरे 7 रे कैंसिल करले बिले 3:4 केते इंक्रीज हिची 1 ऑन द बेस ऑफ 3 3 रु 4 हिची 1 ऑन द बेस ऑफ 3 व्हिच इज 33.33% 33 धरंतु तापर देखंतु 22 रु 31 22 रु 31 केते बढी छी बिले 9 ऑन द बेस ऑफ 22 हला देखंतु केमती कंपैरिजन करा हबो 10% होची बिले 2.2 40% होची केते 40% होची बिले 8.8 बट अछि केते उपरे 9 9 रो इंक्रीज माने 40% अधिका माने दिस इज मोर देन 40% माने ए जो चेंज टा हिची 22 रु 31 दिस इज मोर देन 40% ता माने आंसर होबा कथा कोन दिस इज 88 टू 89 एटा हबा आंसर दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट 88 टू 89 इन व्हिच इज वैल्यू हाईएस्ट हां ठीक अछि ऑप्शन डी इज करेक्ट बुझले कने एटा होची 40% रो इंक्रीज बाकी सब रे कम अछि अप्रोच क्लियर हिथियो बेले अप्रोच आपन को एब्सोल्युटली क्लियर हिथियो जो बिला कहंती सर जीएस बुझे दियो कंप्यूटर बुझे दियो अरे कंप्यूटर फंप्यूटर कंप्यूटर जीएस आपन को गूगल सर्च रे मिलि जीवो हला ए सब जोडा पढा होची ए सब कांसेप्ट आपन को गूगल सर्च रे मिलिवनी कंप्यूटर की जीएस आपन क्वेश्चन गूगल सर्च टाइप कर देबे आपन आंसर मिलि जीवो एही सब कांसेप्ट आपन को फैकल्टी पढिया को पड़िवो सेहित पई मो डिस्कस करे मैथ डीआई रीजनिंग कंप्यूटर जीएस कोन पढिबी जीएस कोन डिस्कस कोन करबी जो पिला कहंती सर तार आंसर के दियंतु एडा तो आपन भितर केही भी गूगल सर्च टाइप कर देबे आंसर के मिलि जीवो ताते कौन टा पढ़िया रचता रे हाँ देखो ना रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इयर्स इन विच ट्रेड डेफिसिट इज अबव एवरेज डेफिसिट टू दोज इन विच ट्रेड डेफिसिट बिलो एवरेज डेफिसिट नाउ दिस इज अगेन दिस इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एठी भी आपन को कॉन्सेप्ट रा यूज एवरेज बिले केमती बाहर करिया जो भी एवरेज वर्ड यूज है सब बड़े माइंड रे आपन को आसीबो डेविएशन एठी आपन एक काम करिवेनी सब ऐड करिकि ना बाय 8 सेमिति करिवेनी हेमते टाइम वेस्ट हो सब आड करें जो पे आवरेज बाहर करेंगे कौन सब आड करेंगे बाय करेंगे आठ सेमती करा हुए कि नहीं तेना आप प्रिपेरेसन किसी करना है देखो आप मार्क करेंगे फ्रिक्वेन्सी कौ नंबर टा रिपीट या भितर कौ नंबर रिपीट जब हो आवरेज मान दिखुं देखो 26 दी थर आवरेज मान दवा है एनी भैल्यू आप मानपरेंगे बट 26 को मानदे टी इजी हम 26 को मुझे आवरेज मानदेली आवरेज मान हूँ बोले इक्वाल डिस्ट्रीब्यूशन 26 को कहीं मान ली कहीं 26 रिपीट हो हला यही नंबर को आप एवरेज मान लें डेविएशन अप्लाई करें इजी हम है सब जिन हूँ एग्जाम टाइम इज मनी जिते आप टाइम सेव करेंगे सेते अपना आगे को बढ़िया चांस अच्छे अधिका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे देखो 26 जब एवरेज मान ली 22 टा के कम 400 कम -400 देखो अप्रोच मार्क करूँ 31 टा हूँ 500 अधिका +500 लिखिली 21 टा हूँ 500 कम
अरे 2600 होची बिले बेस 2600 टा को एवरेज मान लेमा समस्त 2600 दे देली अबिका 2100 टा कोन 200 कम अछि 2800 टा कोन 200 अधिक अछि 200 अधिक अछि 2600 टा के सॉरी 3600 टा केते 1000 अधिक अछि राइट 1000 बिले अधिक अछि एटा केते 1600 अधिक अछि 1000 हां 1600 प्लस 1600 1600 अधिक अछि कोटा 4200 टा आउ 2600 टा तो 2600 किछ नै तारे हला सो प्लस 500 माइनस 500 कैंसिल हो जइबो किछ त रोल नै तापर एठी मार्क करंतु दिस इज केते होछ एटा 1200 नै ए देखंतु 26 प्लस 2 28 28 माइनस 400 होची 2400 आसला 2400 को डिवाइड करंतु समस्त भितरे के जण अछन्ति 8 जण 8 जण अछन्ति 8 जण को भितरे देखंतु कैलकुलेशन मार्क करंतु 1000 प्लस 200 होची 1200 1200 प्लस आपनकर 16 12 प्लस 16 28 28 आउ 8400 माइनस करिया सो 2400 ठीक अछि अबिका 2400 एक्स्ट्रा अछि पे लिखि छी प्लस प्लस डिवाइड करे समस्त भित 8 जण अछि बाय 8 करंत दिस इज प्लस 300 आसला माने एवरेज टू 300 अधिक रहइबो एवरेज आ मानिथिले 2600 रु 300 अधिक रहइबो त माने एक्चुअल एवरेज टा होची 2900 एवरेज टा हला 2900 केमिति बाहर कलि मार्क कले केमिति बाहर कलि मार्क कले हां तो एही अप्रोच रे आपण जिवे 2900 हला एवरेज अबिका क्वेश्चन बहुत सिंपल हेगला हला एडा बिले बहुत क्विक हो मु जेहेतु डिजिटल स्टूडियो रे आपण गोटे स्टूडियो रे पढौ छी मु आगरे लाइट लागी छी हला मु कैमरा रे कहौ छी हला आगरे गोटे बोर्ड एडी मा आखी सामने रे एते बडा बोर्ड टे लागी छी तो मोर कैलकुलेशन टिके स्लो हो जाउ छी आपण तो खाता पेन रे करबे ना आपण बहुत फास्ट करबे हला ओके 2900 2900 देखंतु 2900 कहै छी दो जी अर्थ इन व्हिच ट्रेड बिलो कोन कहै छी देखंतु एभव टू बिलो ट्रेड एभव टू दोज बिलो हाँ एभव टू बिलो आम बाहर करिया एभव टू बिलो है कौ गुड़ा 2900 ऊपर अच्छी कौटा अच्छे 2900 ऊपर देखंतु यही गोटे भैल्यू अधिका अच्छी आउ गोटे अधिका अच्छे 2900 टू एटा अधिका अच्छे एटा अधिका अच्छे तीन टा भैल्यू अधिका अच्छे सो थ्री आउ कौटा 2900 टू कम अच्छी मैंने एवरेज टा 2900 कौटा कम अच्छी बाकी टोटल 8टा अच्छी टोटल 8टा जिनस अच्छे 8टा भी तीन टा एटी तो बाकी 5टा कम थी है सो 3:5 बुझे अरे टोटल 8टा भैल्यू पिले तीन टा अधिका अच्छे ओब्वियसली 5टा कम थी 3:5 क्लियर हो ये गला नेक्स्ट नेक्स्ट होची 106 106 देखो 106 मार्क कर दो बिल द डेफिसिट इन 1990 टू 93 वाज एप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी परसेंट ऑफ एवरेज डेफिसिट डेफिसिट इन 1990 टू 93 90 टू 93 होची 3600 हला कही अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी परसेंट ऑफ एवरेज डेफिसिट एवरेज टाइम मानते अभी एवरेज टाइम बाहर करते 2900 बाहर 2900 बाहर ठीक अच्छे अबिका कही यार कते परसेंट ठीक अच्छे अबिका देखो यार 10% के 10% हम डिनोमिनेटर हूँ 2.9 हूँ अप्रोक्सीमेटली तीन तीन इंटू बार तीन इंटू बार हूँ 36 तीन रे 12 मल्टीप्लाई कले 36 सो ये 12 मल्टीप्लाई करूँ ये 12 मल्टीप्लाई करूँ दिस इज 120% 120% टा होची 36 बट एक्चुअली 120% अधिक हम कहीं आम 2.5 को तीन अप्रोक्सीमेट कर सो 120 रु अधिक हम पाखापाखी ऑप्शन देख 120 रोटे अच्छे 124 है सो 36 बाय 29 हूँ 124 है अप्रोक्सीमेटली ही आपको पचार सो अप्रोच मार्क करूँ कमी क्याकुलेट करा एक कम करेंगे 36 29 इंटू 100 एमती जब कले करेंगे एमती कले परीक्षा जमा हेनी आगो को देखिया बहुत सारा क्वेश्चंस जो मैंने यही भाया कैलकुलेशन करेंगे इंटू 100 करना जमी छोट छुआ बेले स्कूल में पढ़ला जमी करते सेमती करेंगे तांकर हबार ना छाड़ नेक्स्ट थी नेक्स्ट मुझे आमर कौ नंबर थी आम कौ नंबर थी यहाँ सरला डेफिसिट सरला यहाँ 106 जाए सरला नहीं 107 मूव करिया 107 ये 107 नंबर स्टार्ट करिया देख 107 107 रो क्वेश्चन गुड़ा 107 रो कितने जाए अच्छी 110
ठीक अच्छे ये क्वेश्चन गुड़ा फास्ट ये करदे गोटे सेकेंड बस पे क्वेश्चन टाइम करदे 107 रु 110 देख बस क्वेश्चन टाक खाली आर पेज को नहीं जा मार्क करूँ 107 रु 110 नियंतु अटेम्प्ट एटा हूँ आपंकर ग्राफ्टा जूम करदे देख बहुत सिंपल जिनस कि ना जूम कर दरकार ना डायरेक्ट हम देखु पे देखु डाटा आप आराम से इंटरप्रेट कर पड़ते एपटे दिखाई आपको वाई एक्सीस दिखाई डिस्टेंस इन किलोमीटर्स एक्स एक्सीस दिखाई टाइम इन आवर्स है यहाँ हूँ एक्स कोऑर्डिनेट दिस इज वाई कोऑर्डिनेट एक्स रिप्रेजेंट कर टाइम वाई रिप्रेजेंट कर डिस्टेंस है टाइम आउ डिस्टेंस दिखाई मैंने आप आंटीसीपेट करेंगे पचार स्पीड रईट आप आंटीसीपेट कर फास्ट देखो स्पीड अफ कार स्पीड के बाहर डिस्टेंस बाय टाइम सिंपल कौटि भी करेंगे यू कैन गो बाय दिस् सबुटी स्लोप सेम जेहेतु स्लोप सेम आइदर 6/1 6 12/2 6 18/3 6 सबुटी 6 ऑप्शन बी इज करेक्ट स्पीड ऑफ कार इन मिनिट पर इन मीटर पर मिनिट 6 थिला किलोमीटर पर आवर 6 आपन कोन थला किलोमीटर पर आवर एटा को हमें कन्वर्ट करिया मीटर पर मिनिट देखो 6 किलोमीटर टा होची 6000 मीटर गोटे आवर टा होची 60 मिनिट हला सो दिस इज 100 मीटर पर मिनिट ऑप्शन बी इज करेक्ट क्लियर हो जी क्लियर हो जी नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन 4.5 आवर्स 4.5 आवर्स कथा कहला 6 किलोमीटर पर आवर हो जी आपण कर स्पीड 4.5 आवर्स केते हबो इनटू करन तो 4.5 6 × 4 हो जी 24 6 × 0.5 हो जी 3 24 + 3 हो जी 27 ऑप्शन ए तो ओरल क्वेश्चन एगुडा कोन स्कूल छुआ को क्वेश्चन एगुडा देखंतु द कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स 15 किलोमीटर्स डिस्टेंस बाय स्पीड होची टाइम दिस इज 2.5 आवर्स ऑप्शन डी इज करेक्ट क्लियर होची है ना ये गला 110 जाए नेक्स्ट नेक्स्ट आप कौन अच्छे देखो 111 रु 115 फाइन ये देखो बस ये आपला ईटा मुझे क्वेश्चन गुड़ाक 111 रु 115 क्वेश्चन टू बस आर पेज को नहीं जाए बस गोटे सेकेंड पे गोटे सेकेंड बस एटा को बस आर पेज को इंपोर्ट कर दिया तब स्टार्ट कर दिया टेक्नोलोजी एटा फायदा हो कौन बुझले टेक्नोलोजी पे एटा फायदा ना ना पीपीटी बनाया पड़ो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हम एटा देख फर्स्ट 111 नंबर मार्क करूँ है 111 रु 115 हूँ यही पाई चार्ट उपरे बेस्ड ठीक अच्छे यही पाई चार्ट उपरे बेस्ड रीड दि फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुल आंसर दि क्वेश्चंस परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन 6 कोर्सेस इन ए यूनिवर्सिटी परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है ठीक अच्छे सब मन रखते गोटे थम रूल जदि परसेंटेज क्वेश्चन पचारा तो आमको एक्चुअल नंबर दरकार ना जदि क्वेश्चन परसेंटेज पचार एक्चुअल नंबर दरकार ना जदि नंबर में पचारे आम चिंता करा कि आम टे स्मार्टली जापर ना आकचुअली आमको कैलकुलेट करा पड़ो मैंने मुझे कह चाहिए क्वेश्चन देखु देखु एक कम करेंगे परीक्षा में 17% इंटू दिस् करना या भैल्यू बाहर करा 24% इंटू दिस् करना या भैल्यू बाहर करा से कम करें जीवन में परीक्षा ये हेनी क्लीयर हेनी है मुझे भगवान को सब डाकबी कि आम छुआ परीक्षा हो क्लीयर है मुझे खाली यहाँ आपको
कॉशियस कर दूसरी पिले है ताकि ये भूल आप न करूँ परीक्षा में। हाँ देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बीटेक कोर्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर दैन नंबर ऑफ कोर्सेस स्टूडेंट्स इन एमटेक कोर्स बीटेक और एमटेक ऊपर फोकस करूँ बीटेक कौट अच्छी एगार एमटेक अच्छी सात बीटेक मोर दैन दैन एमटेक माने बेस आस एमटेक बीटेकटा ताऊपर रही कहते परसेंट ना दिस इज कम्प्लीटली अ गेम ऑफ परसेंट यहाँ हूँ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन परसेंटेज कॉन्सेप्ट। अबिका देखो एगार ऑन द बेस ऑफ सात कितने इनक्रीज होती बिले चार ऑन द बेस ऑफ सात फोर बाय सेवेन परसेंटेज फर्स्ट क्लास से पढ़ाई फोर बाय सेवेन इज व्हाट 57.14% थ्री बाय सेवेन इज व्हाट 42.85% सिक्स बाय सेवेन इज व्हाट फाइव बाय सेवेन इज व्हाट 71.42% सिक्स बाय सेवेन होगी 85.71% बुझे सब जिन टू बाय सेवेन टाइम 28.57% वन बाय सेवेन 14.28% सब जिन मुहे मुहे रही है जदि ना तो आप किसी प्रिपेरेशन आप करना फोर बाय सेवेन टाइम 57.14% आपको अप्रोक्सीमेटली पचार 57% हम बट पिला 57.14 हूँ द वैल्यू है 57% पाखपाखि अप्रोक्सीमेटली पचार हम छाड़ ये गला 111 क्लियर हो नेक्स्ट मूव करिया शहे शहे बार देखु शहे बार कौन कहला देखो 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन साउंड आस साउंड ठीक अच्छे हाँ ठीक अच्छे 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन बीए कोर्स इज गर्ल्स 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन बीए कोर्स हो गर्ल्स देन नंबर ऑफ बॉयज इन बीए कोर्स इज एक्जाक्टली इक्वाल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ह्विच कोर्स ओके ये भी ए वैल्यू यूज करें सिंपल आपंकर ऑब्जर्वेशन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो 25% हो चंदी पिले 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन बीए कोर्स बीए कथा 24% 24% कहार यार हेटा बाहर करा दरकार नहीं 25% हूँ पिले 1/4 है 25% जदि गर्ल्स अच्छा 75% कौन थे 75% थे बॉयज 75% एक्चुअली व्हाट 3/4 कहार 24% इंटू हूँ 24 दिस इज 6 3 18 अच्छा मार्क करूँ 18% कौटी अच्छे एमएससी अच्छे तो आंसर कैसे हम एमएससी क्लीअर होल्यू आम यूज करानी बुझे डाटा इंटरप्रिटेसन प्लेलीस्ट अच्छी डाटा इंटरप्रिटेसन कोर्स चलेगी यूट्यूब चाहिए यहाँ देखिपर बुझे चाहिए से देखिपर देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एमएससी बीटेक एंड एमबीए टुगेदर डिफरेंस पचारा पे मैंने एब्सोल्यूट नंबर टर्म्स से पचार डिफरेंस पचारा आपको है ना मैंने एब्सोल्यूट नंबर दरकार आमको ठीक अच्छे तो मैंने फर्स्ट टाइम आमको ये वैल्यू यूज करा पड़ो है ओके देखिए कौन करा एमएससी बीटेक एमबीए एमएससी 18 बीटेक 11 आउ एमबीए 17 17 प्लस 18 होची 35 35 प्लस 11 होची 46 46% हैला तापरे एंड बीएससी एमटेक बीए बीएससी बीएससी 23 एमटेक 23 प्लस 7 30 30 प्लस 24 होची 54 यहाँ का भितर डिफरेंस कितने बिले 8% रो 8% कहार 8% ऑफ टोटल कहीं आमको पचार एब्सोल्यूट नंबर टर्म 8% ऑफ टोटल अबिका केमी कैलकुलेशन भी केमी करेंगे ये नंबरटा हूँ निजर 100% नंबरटा हूँ निजर 100% नंबर 1% के 1% हम 112 112 हूँ 1% दरकार आमको 8% दरकार आमको 8% मैंने 8 × 112 अबिका एक्चुअल करा दरकार नहीं कैलकुलेशन कहीं 2 × 8 कले यूनिट डिजिट 6 आसो यूनिट डिजिट 6 गोटे ऑप्शन अच्छे ऑप्शन बी इज करेक्ट राइट राइट बिले ओके क्लियर हो चुके क्लियर हो एब्सोल्युटली है ना नेक्स्ट 114 देखो बस देखो 114 114 कौन कहला व्हाट इज दी
आवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बीटेक एमटेक एंड बीए कोर्स टुगेदर बीटेक कड़े गला बीटेक बीटेक एमटेक एंड एंड कौन बीए बीए कड़े गला 24 हला ओके देखो तो एटी 11 प्लस 24 होची 35 प्लस 7 होची 42 एवरेज पचार छी ना एवरेज सो 42 बाय 3 14 3 जा 42 सो 14% आसला एवरेज सो 14% बाहरला 14% ता कहार बाहर करै छी हमकु अब नंबर ए नंबर अबिका देखन तो बिले ए नंबर रा हमर 1% 1% ता कोन दीटा जीरो कम करिया 112 अबिका 112 ले 14 मल्टीप्लाई करिवे 112 इनटू 14 ठीक अछि 112 इनटू 14 करिवे हेटा आपन आंसर होबो ठीक अछि बिले 112 इनटू 14 आपन परीक्षा रे कंप्लीट करिवे हला मु कोन परीक्षा दउछ मु टी कैलकुलेटर रे कर दउछ बुझछंदी आ गाली गाली करिवे नि कि सर कैलकुलेटर यूज करले 112 इनटू 14 मते आपन कोडी बुझियार अछि मते आपन कोडी प्रूफ करियार नै किछ हां 1568 होछि हला ऑप्शन सी इज करेक्ट तो ठीक अच्छे आई एम सॉरी है कौ पिलाई फिर कमेंट लिखे कि सार कैलकुलेटर कहीं यूज करदे अरे मत बुझार अच्छे बाबा आपको सल्यूशन किए देवार अच्छे ना हाँ कहीं ये मैं कैलकुलेसन करी आप टाइम नष्ट हो कि नहीं हाँ सो 1568 हम आंसर है नेक्स्ट ओके आ गोटे बचला 115 देख नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एमबीए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नंबर स्टूडेंट्स इन एमएससी एंड बीएससी टुगेदर ओके एमबीए एमबीए कौन गला एमबीए 17% अप्रोक्सीमेटली वाड़ यूज करें कैलकुलेसन ये कैलकुलेसन रेम अच्छी एमएससी एंड बीएससी एमएससी कौन गला पे देखो एमएससी हूँ 18 बीएससी है मैं दिस इज 1341 है मैंने 17/41 रईट मैंने बेसिकली 17/41 बाहर 17/41 टा केते परसेंट पचार छे ठीक अछि दिस इज 4 10% टा होजी अप्रोक्सीमेटली 4 हैला अप्रोक्सीमेटली 4 अरे 4.1 ना बिले 10% टा होजी यार 4.1 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 4 राइट सो 40% टा केते 40% माने 4 * 4 होजी 16 सो 16 अछि एटी 17 अछि तमे टिके अधिका आबो 42 टिके अधिका आबो सो 41% हबो आंसर हैला 40 टू टिके अधिक हम बुझिपारे कैलकुलेसन केमती कली मुला एक कम करेन इंटू 100 सेमती करेन एमती करेन एमती करेंगे कैलकुलेसन जमी मुझे कली नेक्स्ट ये सरला 115 जानते हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट बस 115 थिला 116 रु 120 हाँ दिस इज बेस्ड ऑन कौन बिले दिस इज बेस्ड ऑन वेन डायग्राम गोटे काम करिया फर्स्ट एटा को ये कर दवा आपन खाली मु सेटटा को रखि दउछि बाकी जिनस को ये कर दउछि हला क्वेश्चंस को हम आसिया बट ता अगरु खाली फर्स्ट सेटटा को सॉल्व करिया हां एटा होछि लास्ट सेटटा आपन को क्वेश्चंस को भी आसी आम बट फर्स्ट एटा को सॉल्व करिया देखो केमिति एटा सॉल्व केमिति करा हबो अप्रोच मार्क करिवे आपण मु केमिति अप्रोच नउ छै एटा मार्क करिवे देखो 116 रु 120 इन ए स्कूल हैविंग 400 स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स आर इन रेशियो 3:5 यदि 3:5 हो छी त हम को कहि परबी बॉयज इज टू गर्ल्स 3:5 हो छी बिले 3:5 त माने 8 यूनिट वैल्यू होची 400 त माने ई यूनिट कॉस्ट 50 थले दिस इज 150 गर्ल्स होची 150 250 बुझले एटा त आपन क्लियर हेतियो ताहले कहै छी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश और बोथ 12% बॉयज स्पीक दिस गर्ल्स स्पीक दिस ओके बॉयज आ गर्ल्स कथा कहै छी एठी कांसेप्ट होची बॉयज को पई भी गोटे वेन डायग्राम करिवे गर्ल्स को पई भी गोटे करिवे हला सिंगल वेन डायग्राम रे कले कोन ना टिक आपन को कॉम्प्लिकेटेड हो बट आपन जदी क्लैरिटी रे करिवा चाहौ चंदी तहले दीटा वेन डायग्राम कर देबे संगे संगे जीव बिल्कुल टाइम वेस्ट होबनी संगे संगे जीव बॉयज को पई गोटे करिया गोटे गर्ल्स को पई करिया देखन तो केमती केमती करू छ देखन तो बिदम केमती करू छ गोटे छोटो डायग्राम टे करिवि बॉयज को पई
ଆଉ ଗୋଟେ କରିବି ଗାର୍ଲସଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କଲି ବୟସ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ଗର୍ଲସଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା, ଅବିକା ଏଇଟା ହେଉଛି ବୟସ୍କର ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗର୍ଲସଙ୍କର ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ କଥା କହିଛି, ଲେଟ୍ସ ସେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ, ଏ ସର୍କଲଟା ହିନ୍ଦୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଥ, ଗର୍ଲସଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହିନ୍ଦୀ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଂଲିଶ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବୋଥ, ଠିକ୍। ଅବିକା ସିମ୍ପଲ ଡାଟା ପୁଟ୍ କରିବେ, ବଟ୍ ଡାଟା ପୁଟ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ନାଁ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲେଟ୍ସ ଏ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲେଟ୍ସ ଏ ବି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏଫ୍, ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ନାଁ ଦେଇଦେବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ଇଜି ହେବ। ଓକେ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସ୍ପିକ୍ ହିନ୍ଦୀ, ଓକେ 12% ଅଫ୍ ଦି ବଏଜ୍ ସ୍ପିକ୍ ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୀ, 12% ସ୍ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, 12% ଅଫ୍ ବଏଜ୍। ବଏଜ୍ ଅଛନ୍ତି କେତେ? ବଏଜ୍ ଅଛନ୍ତି 150, 12% 150ଟା ହେଉଛି 10%, 12%ଟା ହେଉଛି କେତେ? 12%ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 18 ହେଲା। 18ଟା ବଏଜ୍ ସ୍ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୀ। ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 18, ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 18 ହେଲା, ଏର ଭ୍ୟାଲୁ 18 ହେଲା। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବୁ, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠି ଥିଲେ ଆମେ? ହଁ ଏ କଥା ଏ ବାହାର କରିଦେଲେ ନାହିଁ, 18 18 ମାନେ କ'ଣଟା ହେଇଥିଲା 18? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣଟା ପଢ଼ିଥିଲି ଏଠି, 3, 5, 8, 8, 150। ହଁ ଏଇଟା ଆମେ ବଏ ଗାର୍ଲ ବାହାର କରିଥିଲେ, ସ୍ପିକ୍ ହିନ୍ଦୀ ବୋଥ, ଓକେ 12%। ଟିକେ ପିଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, କ'ଣ ଟିକେ ପାଣି ପାଣି ପିଇ ଦେଉଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। 12% ବଏଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବଏଜ୍ଙ୍କର ଅଲଗା ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି, ଗର୍ଲସ୍ଙ୍କର ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାରିଟି ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଦେବି କରିହେବ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଲା, ବଟ୍ ଗୋଟେ କଲେ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ମାନେ ଖିଚିଡ଼ି ହେଇଯିବ ପୁରା ହେଲା। ସେପାରେଟ୍ କଲେ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବି ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 12% ଅଫ୍ ଦି ବଏଜ୍ ସ୍ପିକ୍ ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୀ, ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ନାଁ ଦେଇଦେବେ ପିଲେ, ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍, ଏରିଆ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଇଜି ହେବ। 12% ବଏଜ୍ ସ୍ପିକ୍ ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୀ, ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛି ଏ ପାର୍ଟଟା, ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହେଲା, ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ? 12% ଅଫ୍ ବଏଜ୍, 150ର 12% ହେଉଛି କେତେ? 18, ଇଏ ହେଲା। ତାପରେ 22% ଅଫ୍ ଦି ଗର୍ଲସ୍ ସ୍ପିକ୍ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ, ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ ମାନେ ଏଫ୍ ପାର୍ଟଟା ପିଲେ, ତାହେଲେ ଏଫ୍ଟା ହେଉଛି କେତେ? 22%, 250ର 22%, 250 250ର 22%, 25×22 କେତେ? 25×525×20 କେତେ? 500 + 50, 550 ମାନେ 55, ବୁଝିଲେ 55 ହେଲା। 22%ଟା ହେଉଛି, 22% ୟାର ବାହାର କରିବେ ହେଲା। 24% ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସ୍ପିକ୍ ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୀ, ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି କେତେ ପିଲେ? ଟୋଟାଲ ଅଛନ୍ତି 400, 400ର 24%, 400ର 24% କେତେ? 24×4 ହେଉଛି 96, 96 ପିଲେ, 96 ବାହାରିଲା, 96 କ'ଣ? ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଏଜ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛନ୍ତି 18, ଟୋଟାଲ ହେଉଛନ୍ତି 96, ତାହେଲେ ଡିଟା କେତେ ହେବ? 78। ଆରେ ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୀ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ବଏଜ୍ ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଗାର୍ଲସ୍ ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୀ, ବଏଜ୍ ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୀ ତ 18 ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗାର୍ଲସ୍ କେତେ ଥିବେ? ଟୋଟାଲ 96, 78। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା, ଆଣ୍ଡ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବଏ ସ୍ପିକିଂ ବୋଥ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଇଜ୍ 6 ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବଏ ସ୍ପିକିଂ ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୀ, 6 ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବଏ ସ୍ପିକିଂ ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୀ। ବୋଥ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ବଏଜ୍ କଥା କହିଛି ମାନେ ବି କଥା କହିଛି, ବିଟା ହେଉଛି 18, ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୀର 6 ମାନେ 108, 108 ପିଲେ, ବୁଝିଲେ? 108। ଅବିକା ସିମ୍ପଲ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ସବୁ ଡାଟା ବସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାହାରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ବି ବାହାରିଗଲା, ଏ ବି ଯଦି ବାହାରିଗଲା ତାହେଲେ ସିଟା କେତେ ହେବ? ସିଟା କେତେ ହେବ ପିଲେ? ସିଟା କେତେ ହେବ? 18 + 108 ହେଉଛି 126,
टोटाल मिसिकिना हवा दरकार 150 हैला ताल सी के दही दियो पिले 150 माइनस 126 एटा एटा 626 होची 126 प्लस 24 करले 150 तो दिस इज 24 बुझले पिले अबिका देखंतु डी टा हमर 78 बाहर सलानी डी टा पिले 78 बाहर जाई छी हैला एफ टा हमर 55 बाहर जाई छी हैला एफ 55 प्लस 78 केते होची पिले 113 होची ना ना 113 नय तो 133 होची पिले 133 होची ठीक अछ ना ठीक अच्छे 133 होची 133 होची एफ आउ डी मिसिकिना 133 टोटाल मिसिकिना हवा 50 हैला सो ईटा केते हेतिबो 250 माइनस 133 केते होची बिले त माने ईटा हमर हवा दरकार 250 माइनस 133 होची 117 क्लियर होची राइट कैलकुलेशन भूल करना देखि ना सब ठीक अच्छे सिंपल अबिका सब हे गला सॉल्व सिंपल खाली वैल्यू पुट कर दियौ बस अबिका सिंपल खाली वैल्यू पुट कर दवा एटा हमर बाहर थला 18 एटा हमर बाहर ला एटा होची 18 ए बाहर ला 18 एटा सर्कल टा फिल अप कर दियौ तो सिंपल एटा फिल हो जांतो तापर बी टा केते बाहर ला हमर 108 सो एटा होची 108 सी टा केते देखंतु सी टा हो 24 सो दिस इज 24 हला डी हमर केते बाहर ला देखंतु डी टा होची डीटा होची 78 सो दिस इज 78 हैला दिस इज 78 ईटा केते हितला हमर ई केते भाटला देखंतु ई होची 117 ईटा होची हमर 117 एफ टा केते भाटला दिस इज एफ टा केते भाटला देखंतु 55 एफ टा हितला हमर 55 हैना ओके सब जिंस हे गला पिले सब जिंस सब डाटा लिखि देले में हैना आउ किछ नै एतरे क्वेश्चंस को मूव कर जे हैला क्वेश्चंस एतरे आराम से सॉल्व हो बस क्वेश्चन को आसी ओके देख क्वेश्चन देख क्वेश्चन कौन कही मार्क करूँ क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आप कहला देख 16 नंबर क्वेश्चन कौन कही मार्क करूँ कर पड़ो गोटे कम करा गोटे कम कर गोटे सेकेंड शहे षोह शहे सतर शहे अठर तीन टा एक क्वेश्चन रखी दूसरी बस है तीन टा क्वेश्चन था देखो ये तीन टा क्वेश्चन कौन कही फास्ट हाँ हाउ मेनी बॉयज स्पीक हिंदी हिंदी कथा कही खाली ओनली हिंदी तो कही खाली हिंदी कही बॉयज कथा कही सो अठर प्लस 108 हूँ 126 यहाँ हवा कथा के 126 ओनली हिंदी कही पे आप 18 मार्क करदेवे ओनली हिंदी और हिंदी फरक अच्छी दिस इज 126 है ना हाउ मेनी गर्ल्स स्पीक ओनली हिंदी है गर्ल्स ओनली हिंदी हूँ 78 ऑप्शन डी हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश है स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश मैंने दिस इज इंग्लीश्र के 108 आउ 24 बॉयज केस रे गर्ल्स केस रे होची आपनकर 117 एंड दिस इज 55 एड कर दियंतु दिस इज 12 पर सब यूनिट डिजिट अलग अच्छे बस 12 मान दिस 19 पर दिस इज 4 आसा कथा यूनिट डिजिट सो दिस इज ऑप्शन ए ठीक एटा एड कर देबा रे इंग्लिश माने पिले दिस इज कंप्लीट इंग्लिश दिस इज कंप्लीट इंग्लिश हैला तो बुझी पारले आपण नेक्स्ट एति खोज क्लियर हां ये गला एबे नेक्स्ट को मूव करिया वन सेकंड पिले बस बस 1 सेकेंड शहे उन्नीस और 120 बस दीटा क्वेश्चन बचला है देख सांगे सांग करदे सांगे सांग सर हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग ओनली हिंदी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग नंबर ऑफ गर्ल्स स्पीकिंग ओनली हिंदी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीकिंग ओनली हिंदी ओके गर्ल्स स्पीकिंग ओनली हिंदी हिंदी कहते 78 व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स स्पीकिंग ओनली हिंदी टोटल स्टूडेंट्स कितने अच्छे देखो 18 प्लस 78 व्हिच इज 6 स्पीकिंग ओनली हिंदी तो हाँ 6 8 9 96 है दिस इज दुई रे काटले
କେମିତି ଏଇଟା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିସ୍ ଇଜ୍ 17 ଫୋର୍ ଯା 19 24 23 24 ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ରେ କାଟିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 39 ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 2 ରେ କାଟିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 48 ରାଇଟ୍ 48 39 ଆଣ୍ଡ 48 3 ରେ କାଟିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 13 3 ରେ କାଟିଲେ 16 13 ବାଇ 16 ଆସିଲା ବୁଝିଲେ 13 ବାଇ 16 ଆସିଲା ବି ହେଲା ପଚାରିଛି ଏଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଓକେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1/6.25% ଦେଖନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବି 1/16 ହେଉଛି 6.25% ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ବୋଲେ 1/16 ହେଉଛି 6.25% 13/16 ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ତାମାନେ 3/16 କେତେ ଯଦି 1/16 ଦିସ୍ ଇଜ୍ 3/16 ବାହାର କରନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ 3 ହେଉଛି 18 18.75% ରାଇଟ୍ ତାମାନେ ଟୋଟାଲରୁ ଯଦି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ମୋତେ ଦରକାର 13/16 ଭାଲ୍ୟୁ ମୋତେ ଦରକାର 13/16 ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 100% ହେଉଛି 1 -3/16 କରିଦେବି 1 -3/16 କରିଦେବି ମାନେ 100% -18.75% କରିଦେବି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କେତେ 100 - 18.75 କରିଦେବି 81.25% ଅପ୍ସନ୍ କରେକ୍ଟ ମାର୍କ କଲେ ବୋଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆରେ ଏଇଟାକୁ ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିଦେଲି 13/16 ବାହାରିଲା ମୋତେ ୟା ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ହେଲା ମୁଁ 13/16 ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିବିନି ହେଲା ସେମିତି କଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ 1/16 ମୁଁ ଜାଣିଛି 6.25% 3/16 ହେଉଛି 18.875% ଟୋଟାଲ ମୋତେ ଦରକାର 3/16 ସୋ 1 -3/16 କରିଦେବି 13/16 ବାହାରିଯିବ ବୁଝିଲେ ଓକେ ଇଏ ଗଲା ବସ୍ ଲିଭେଇଦେଲି କି ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଲିଭେଇଦେଲି ଭୁଲରେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ହଁ ଆସିଗଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଫାଇଦା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ବି ଅଣ୍ଡୁ କରିକିନା ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଯାହା ଲେଖିଥିବେ ସେଇଟା ହିଁ ପଳେଇ ଆସିବ ବୁଝିଲେ ସବୁବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଫାଇଦା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ 120 କ'ଣ କହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରେସିଓ ଅଫ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବଏଜ୍ ଟୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗର୍ଲସ୍ ସ୍ପିକିଂ ବୋଥ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ବୋଥ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଥା କହିଲା ରେସିଓ ଅଫ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବଏଜ୍ ଟୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗର୍ଲସ୍ ସ୍ପିକିଂ ବୋଥ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ମାନେ 108:117 ହେଲା 117 ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ନଅରେ କାଟିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 12 ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 13 ହେଲା ବଏଜ୍ ଟୁ ଗର୍ଲସ୍ କହିଛି ନା ହଁ ବଏଜ୍ ଟୁ ଗର୍ଲସ୍ କହିଛି ସୋ 12:13 ହେବ ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ରାଇଟ୍ ସୋ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଡିଆଇର ସୋ ଡିଆଇର ସବୁ ସଲ୍ଭ କରାହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆହେଇନି କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ରିଜନିଂ